साजिश नाकाम हो गई है। लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। लखनऊ छपरा एक्सप्रेस के रस्ते में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रख दिए गए थे। पत्थर देखकर चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। बैरिया थाना क्षेत्र के बकुलहा मांझी स्टेशन के बीच का यह मामला बताया जा रहा है। तो बलिया में ट्रेन डिरेल करने की साजिश नाकाम हो गई है। लोको पायलट ने समय रहते ही सूझबूझ दिखाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी है कि पटरी पर पत्थर रख दिए गए थे, इसके बाद लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए। अब ये तीन तस्वीरें देखिए, महोबा, मिर्जापुर, बलिया से जानकारी, जहां पर ट्रेन पलटाने की साजिशों को फिलहाल नाकाम किया गया है। लोको पायलट की समझदारी से समय रहते ही बड़े हादसे होने से फिलहाल बच गए। ट्रेन डिरेल की कौन साजिश रचा, ये एक बड़ा सवाल है, जिसके लिए लगातार पुलिस जांच कर रही है। बलिया से फिलहाल हाल फिलहाल में जानकारी, जहां पर पटरी पर पत्थर रख दिए गए थे। बलिया से हमारे संवाददाता आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। आदित्य, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ट्रेन को पलटाने की साजिश थी और पटरी पर बकायदा पत्थर भी रखे गए थे, समझदारी से हादसा बच गया है, क्या कुछ अभी जांच में सामने आ रहा है? जी बेशक, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो रेलवे की पुलिस है, रेलवे का जो प्रशासन है, साथ ही जो स्थानीय पुलिस है, इस पूरे मामले की लगातार जांच में जुटे हुए हैं। जिस प्रकार से रेल की पटरी पर जो देख सकते हैं तस्वीरों में, बड़े बोल्डर्स रखे गए, बड़े पत्थर रखे गए, जो कि जो लोको पायलट था उसकी सूझबूझ से पूरा हादसा होते होते बच गया। जो तत्काल उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, इंजन के कैडल गार्ड से टकरा करके जो पत्थर है वो ट्रैक से नीचे जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद ट्रेन को अपने निर्धारित गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। फिलहाल जो स्थानीय प्रशासन है, जो रेलवे का प्रशासन है, लगातार उस पूरे मामले की जांच में जुटाई, कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं और किस प्रकार से ये जो साजिश है वो लगातार की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में कल रात से ही जो अधिकारी है मौके में मौजूद है, रात से इस पूरे मामले की अपडेट ली जा रही है, छानबीन की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का, कहीं ना कहीं इस प्रशासन का दावा है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करते हुए जो भी इस मामले में दोषी है उनको पकड़ के उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिशें यहां पर लगातार अंजाम दी जा रही हैं, लेकिन गरिमत है कि हादसे नहीं हो रहे हैं। यहां पर और कौन लोग मौजूद थे जिन्होंने पत्थर रखे हो सकते हैं, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से अब जांच चल रही है? जी बेशक, वहां पे पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी और बाकी चीजों को खंगाला जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है ये पता करने है कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की घटना की साजिश कर रहे हैं। क्योंकि वो जो रेलवे ट्रैक है बकुलहा और मांझी रेलवे स्टेशन से महज 300 मीटर फैमले का मामला है। हालांकि वहां कोई स्टेशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, तो जो जगह है वो नॉर्मल ट्रैक है, तो वहां पे आसपास सीसीटीवी कैमरेज भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो फिलहाल इन सब चीजों को लेकर ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बाढ़ के बचाव कार्य के लिए जो बोल्डर्स आए हुए थे, जो पत्थर आए हुए थे, किसी शरारती तत्वों ने उन्हीं पत्थर को ले जाकर वहां पर रख दिया। फिलहाल इस पूरे मामले के लिए कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इस पूरे मामले के रेलवे प्रशासन है वो लगातार जांच में जुटा हुआ है, लगातार जांच कर रहा है और कहीं ना कहीं ये दावे किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जी रेलवे के जो अधिकारी है वो क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से अब और मामले में कार्रवाई होगी और आसपास किस तरीके से जो स्टेशन नजदीकी स्टेशन है वहां से कुछ जानकारी मिल पाई है? फिलहाल आसपास के नजदीकी स्टेशनों पर चौकसियां बढ़ाई गई हैं। आसपास जो आरपीएफ के जवान हैं या फिर जो पुलिस के जवान हैं, सिविल पुलिस के जवानों को भी स्टेशन के एरिया में, ट्रैक वाले एरिया में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी शरारती तत्व इस प्रकार का प्रयास बलिया जनपद में दोबारा न कर सके, इसके लिए सिविल पुलिस को भी चौकसी बरतने के लिए कहा गया है, गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वही जो आरपीएफ के जवान है लगातार ट्रैक्स पर टहलते हुए, देखते हुए, सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की हर एंगल से अलग अलग टीमें कर हर एंगल से लगातार जो है जांच की जा रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा तमाम जानकारी देने के लिए। तो आगे बढ़ते